हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग स्थान, लर्न टू नो एंड नो टू लर्न। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं ट्रांसफार्मर टॉपिक को, जिसमें हम डिफरेंट ए लेवल एग्जाम्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज का लेक्चर होगा ट्रांसफार्मर का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कहता है एट Which condition of the transformer the equivalent circuit will be as shown in the figure? किस कंडीशन में ट्रांसफार्मर का जो इक्विवेलेंट सर्किट है ये इन दोनों फिगर के जैसा दिखाई देता है। फिगर नंबर 1 में कुछ है और फिगर नंबर 2 में एक दूसरा इक्विवेलेंट सर्किट है, तो आपको बताना है कि दोनों ही तरह का जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो किस कंडीशन के अंडर ड्रॉ किया जाता है। ऑप्शंस हमारे हैं अंडर शॉर्ट सर्किट टेस्ट में फिगर 1, ओपन सर्किट टेस्ट में फिगर 2। ऑप्शन बी में है ओपन सर्किट टेस्ट में फिगर 1 और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में फिगर 2। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट टेस्ट के केस में जब हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो उसके दौरान ट्रांसफार्मर का जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होता है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है ये, ओके और जब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं ट्रांसफार्मर में तो उस टाइम पर ट्रांसफार्मर का जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होता है वो ऐसा होता है। ओके, इट मींस ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में क्या कहा है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन अ ट्रांसफार्मर विथ अ सर्टेन इम्प्रेस्ड वोल्टेज एट रेटेड फ्रीक्वेंसी। कौन सा टेस्ट किया जा रहा है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जो कि एक रेटेड फ्रीक्वेंसी पर एक सर्टेन वोल्टेज के साथ किया जा रहा है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट में दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। यहां पर ये जो साइड है, ये साइड, दिस इज हाई वोल्टेज साइड, दिस इज हाई वोल्टेज साइड, राइट। और ये जो साइड है, यहां पर जिस साइड हमने इसको शॉर्ट सर्किट किया है, ये होता है एलवी साइड। एक्चुअली में एलवी साइड हम शॉर्ट करते हैं, बट जब आप इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करते हो तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये है एलवी साइड का रिप्रेजेंटेशन रेफर टू हाई वोल्टेज साइड, एचवी साइड, राइट। ये पूरा का पूरा जो सर्किट है ये रेफर किया हुआ है हाई वोल्टेज साइड। ठीक है, अब यहां पर ये जो वोल्टेज है ये हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज है, लेकिन ये रेटेड वोल्टेज नहीं है, ये बहुत ही कम वोल्टेज यहां पर हम अप्लाई करते हैं ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट, राइट। तो यहां पर मैं V1 लिख देता हूं, V1, ओके। ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट रेफर टू प्राइमरी साइड यानी कि हाई वोल्टेज साइड, ये होगा JX इक्विवेलेंट रेफर टू हाई वोल्टेज साइड। ठीक है, ये है रिप्रेजेंटेशन। अब क्वेश्चन को पढ़िए, इस क्वेश्चन में कहा है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है एक सर्टेन इम्प्रेस्ड वोल्टेज पर एट रेटेड फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो वोल्टेज हमने यहां पर अप्लाई किया है वो है V1 और फ्रीक्वेंसी यहां पर होगा F, रेटेड फ्रीक्वेंसी F। ठीक है, सो मैं यहां पर लिख देता हूं V1 वोल्टेज हमने अप्लाई किया है विथ फ्रीक्वेंसी F, रेटेड फ्रीक्वेंसी है F, राइट। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, इफ द शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज नाउ परफॉर्म्ड विद द सेम मैग्नीट्यूड इम्प्रेस्ड वोल्टेज बट एट अ फ्रीक्वेंसी हायर देन द रेटेड फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट केस में हमने क्या किया है, V1 वोल्टेज अप्लाई किया है विथ रेटेड फ्रीक्वेंसी, और दूसरे केस में क्या कहा है कि आपको फिर से शॉर्ट सर्किट टेस्ट ही करना है और जो वोल्टेज आपको अप्लाई करना है वो उतना ही करना जितना आपने प्रीवियस केस में किया है, राइट। मैग्नीट्यूड उसका सेम ही रहेगा, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, बट आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है, वोल्टेज रखना है सेम, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है। तो उसके बाद ऑप्शंस को देखिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड पावर फैक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड पावर फैक्टर, हर एक ऑप्शन में इसी के बारे में वो जानना चाहता है कि जो इसमें करंट फ्लो करेगा उसके मैग्नीट्यूड पे क्या फर्क पड़ेगा और जो इसका पावर फैक्टर होगा उसके पावर फैक्टर पे क्या फर्क पड़ने वाला है।
ठीक है, इस बात को जानना चाहता है। ओके सो यहां पर देखिए, यहां पर क्या क्या चेंजेस होंगे। सबसे पहले देख लीजिए कि फर्स्ट केस में मैं यहां पर लेता हूं कि यहां पर I1 करंट फ्लो कर रहा है, दिस करंट इज I1। ओके, और ये जो इम्पीडेंस है मैं इस इम्पीडेंस को लिखता हूं Z1। ठीक है, Z1 हमारा इम्पीडेंस है, R इक्विवेलेंट प्लस जे एक्स, एक्स इक्विवेलेंट इन केस ऑफ वन, केस फर्स्ट में अप्लाइड वोल्टेज V1 और फ्रीक्वेंसी F है। ठीक है, अब यहां पर Z1 और I1 को फाइंड आउट करते हैं। Z1 क्या होगा, Z1 हो जाएगा R इक्विवेलेंट प्लस जे एक्स इक्विवेलेंट। ओके, और I1 क्या होगा, जो I1 करंट है, I1 करंट होगा अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस विच इज Z1। इट मीन्स हम इसको लिखेंगे V1 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट प्लस जे एक्स इक्विवेलेंट। ये है I1 करंट फर्स्ट केस का, राइट। यहां पर आप ये बताओ मुझे कि जो एक्स इक्विवेलेंट है उसको हम कैसे लिखेंगे। एक्स इक्विवेलेंट मीन्स इट इज अ रिएक्टेंस। रिएक्टेंस को हम कैसे लिखते हैं, रिएक्टेंस होता है ओमेगा इंटू एल, या फिर आप इसको लिखोगे 2 पाई f × L इक्विवेलेंट, ऐसे ही लिखोगे आप, राइट। तो जहां पर फ्रीक्वेंसी है f, रेटेड फ्रीक्वेंसी f है, उसके केस में एक्स इक्विवेलेंट को मैं यहां पर एक्स इक्विवेलेंट ही लिख रहा हूं केस 1 में। अब हम बात करते हैं केस 2 की, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में इसने क्या कहा है कि जो अप्लाइड वोल्टेज है, जो इम्प्रेस्ड वोल्टेज है, उसका मैग्नीट्यूड रखना है सेम, यानी कि अब भी हमें अप्लाइड वोल्टेज V1 ही रखना है, बट फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, इंक्रीज करना है। फ्रीक्वेंसी को जब आप इंक्रीज करोगे तो यहाँ से देखो एक्स इक्विवेलेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ से जब आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो एक्स इक्विवेलेंट भी इंक्रीज कर जाएगा। ओके, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, एक्स इक्विवेलेंट इंक्रीज, और जब एक्स इक्विवेलेंट इंक्रीज करेगा तो व्हाट अबाउट द Z2। मैं यहां पर सेकंड केस में लिख रहा हूं Z2, और सेकंड केस में वोल्टेज मैं लिख रहा हूं V2, जो कि V1 के इक्वल है। Z2 क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट प्लस जे एक्स इक्विवेलेंट। अब ये जो एक्स इक्विवेलेंट है इसकी वैल्यू तो हाई है, सेकेंड केस में एक्स इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, हाई है। जब एक्स इक्विवेलेंट की वैल्यू हाई है लेकिन आर इक्विवेलेंट चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी से रेसिस्टेंस का कोई रिलेशन नहीं होता, तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कराने से आर इक्विवेलेंट पे कोई चेंज नहीं होगा, आर इक्विवेलेंट सेम रहेगा बट एक्स इक्विवेलेंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक्स इक्विवेलेंट इंक्रीज होने से जो हमारा टोटल इम्पिडेंस है Z2, ये इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड केस में इम्पिडेंस इस पूरे होल सर्किट का इंक्रीज कर जाएगा, और इसकी वजह से सेकंड केस में जो करंट फ्लो करेगा I2, I2 को हम क्या लिखेंगे, V2 डिवाइडेड बाय Z2, राइट। V2 तो V1 के इक्वल है, और जो Z2 है, Z2 की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है, और जब Z2 की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है कंपैरिजन टू केस 1, Z2 इंक्रीज हुआ है, तो व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ I2, I2 की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां से I2 जो करंट है, जो करंट फ्लो करेगा, उसकी वैल्यू कम होगी, करंट डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इसने पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के बारे में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इसका डिक्रीज कर जाएगा, क्लियर है। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ करंट तो डिक्रीज कर गया, अब इसने पावर फैक्टर के बारे में भी पूछा है। तो पावर फैक्टर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, या फिर पावर फैक्टर एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे, PF एंगल। PF एंगल यहां देखो, फर्स्ट केस में PF एंगल, पावर फैक्टर एंगल क्या होगा, पावर फैक्टर एंगल इज इक्वल टू, ये होता है टैन इनवर्स व्हाट, एक्स इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, यही होगा ना, एक्स बाय आर, टैन इनवर्स एक्स बाय आर, ये होता है पावर फैक्टर एंगल फाई। यदि मैं इसको फाई बोलूं तो फाई की वैल्यू हो जाएगी टैन इनवर्स एक्स बाय आर, राइट। सेकेंड केस में क्या हुआ है कि एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर गई, एक्स इक्विवेलेंट इंक्रीज कर गया, तो जब एक्स इक्विवेलेंट इंक्रीज कर जाएगा तो टेन इनवर्स एक्स इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट, इट मीन्स ये एंगल भी इंक्रीज कर जाएगा। सेकेंड केस में जो एंगल है फाइ, इसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी।
फाई की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो पावर फैक्टर इट मींस कॉस फाई, फाई की वैल्यू इंक्रीज करने से पावर फैक्टर विल बी डिक्रीज्ड, पावर फैक्टर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ओवरऑल क्या पता चला है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है वो डिक्रीज करेंगी। यहाँ देखो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डिक्रीज किया है और पावर फैक्टर भी डिक्रीज किया है सेकेंड केस में। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन को चेक कर लीजिए, डी ऑप्शन में गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एज वेल एज द पावर फैक्टर विल डिक्रीज, दोनों ही डिक्रीज करेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहा है, इट इज डिजायर्ड टू मेजर, इट इज डिजायर्ड टू मेजर व्हाट पैरामीटर्स ऑफ 230 वोल्ट बाय 115 वोल्ट 2 केवीए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, द फॉलोइंग वॉट मीटर्स आर अवेलेबल इन अ लेबोरेटरी। लैब में कुछ वॉट मीटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिसकी हेल्प से हमें एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के पैरामीटर को मेजर करना है। ओके, कौन कौन से वॉट मीटर है, वॉट मीटर नंबर W1, इसकी वोल्टेज रेटिंग है 250 वोल्ट, करंट रेटिंग है 10 एम्पीयर और इसका जो पावर फैक्टर है वो है लो। इसी तरीके से W2 की वैल्यू गिवन है, W3 की रेटिंग गिवन है और W4 की रेटिंग गिवन है। 4 वॉट मीटर्स हैं, चारों की डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग्स हैं, ये चारों अवेलेबल है। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछता है, द वॉट मीटर्स यूज्ड इन ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर विल रेस्पेक्टिवली बी वॉट। जब आप ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना चाहोगे या फिर जब आप ओपन सर्किट टेस्ट करना चाहोगे तो इन चारों वॉट मीटर में से कौन सा वॉट मीटर आप प्रेफर करोगे, कौन सा वॉट मीटर आप यूज करोगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के लिए और कौन सा यूज करोगे ओपन सर्किट टेस्ट करने के लिए। ओके, तो ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट का थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं। जब हम OC टेस्ट करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट, तो इस टेस्ट में होता क्या है, इस टेस्ट में ये होता है कि इस टेस्ट में पहली बात कि इसको हम लो वोल्टेज साइड जनरली प्रेफर करते हैं, लो वोल्टेज साइड में हम इंस्ट्रूमेंट को लगाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात कि इसको हम रेटेड वोल्टेज पे टेस्ट करते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट को किस पे करते हैं, वी रेटेड पे, रेटेड वोल्टेज पे करते हैं, राइट। और इसका जो करंट होता है नो लोड करंट, इसकी वैल्यू कम होती है। और साथ ही ओपन सर्किट टेस्ट में जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर इसका कम होता है। ओके, क्योंकि सिर्फ एक मैग्नेटाइजिंग करंट ही तो फ्लो करता है और जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है वो होता है हाईली लैगिंग। इन केस ऑफ हाईली लैगिंग जो इसका एंगल होगा, आई नॉट का जो एंगल होता है वोल्टेज के साथ, वो नियर अबाउट 70-75 डिग्री के आसपास होता है। उसकी वजह से जो पावर फैक्टर वो बहुत ही कम होता है, 0.3, 0.35 या फिर 0.25 इसके आसपास इसका पावर फैक्टर होता है ओपन सर्किट टेस्ट के दौरान। ठीक, अब हम बात करेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या किया जाता है, जो हम इसमें इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो बहुत ही कम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, है ना। इसमें जो इनपुट वोल्टेज होता है वो लो होता है, लो वोल्टेज होता है, और जो इसमें करंट फ्लो करता है वो जनरली रेटेड करंट फ्लो करता है। मैं जनरली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट को हम किसी अदर लोड पर भी कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला कि रेटेड करंट फ्लो करता है, तो आप चाहो तो किसी और करंट पे इसका टेस्ट कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। बट जनरली हम क्या करते हैं, रेटेड करंट पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं और वहां से जो पावर का आउटपुट मिलता है उसको हम बोलते हैं रेटेड कॉपर लॉस या फिर फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, यदि आप रेटेड करंट पे नहीं करोगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट, किसी और करंट पे करोगे, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको पावर लॉस मिलेगा, वो रेटेड कॉपर लॉस नहीं होगा, इतना सा ही फर्क होता है। ठीक है, लेकिन जनरली क्या कहते हैं, रेटेड करंट पे इसका टेस्ट हम करते हैं। अब देखो इसमें जो इसका पावर फैक्टर होता है वो हाई होता है, हाई पावर फैक्टर होता है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन को आप कंबाइन कर लो और फिर देखो कि कौन सा वॉट मीटर आप प्रेफर करोगे किस टेस्ट, कौन सा टेस्ट को करने के लिए। ठीक है, देखो
ओपन सर्किट टेस्ट में आपको हाई वोल्टेज रेटिंग वाला वॉट मीटर चाहिए, क्योंकि रेटेड वोल्टेज है, हाई वोल्टेज रेटिंग होना चाहिए, करंट की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो देखो यहां पर चार वॉट मीटर में से हाई वोल्टेज रेटिंग किसकी है, W1 और W2, इन दोनों की वोल्टेज रेटिंग हाई है, 250 वोल्ट है दोनों की, और W3 W4 की तो 150 वोल्ट है, तो इसको तो हम यूज नहीं करेंगे। हाई वोल्टेज जिसकी रेटिंग होगी उसको हम यूज करेंगे। ओके, अब देखो करंट कैसी होनी चाहिए, करंट की रेटिंग I0 की वैल्यू कम है तो करंट की रेटिंग शुड बी लो। तो W1 W2 में वोल्टेज रेटिंग तो हाई है लेकिन करंट रेटिंग एक का है 10 एम्पीयर, दूसरे का है 5 एम्पीयर, तो हम कम वाला चूज करेंगे, यानी कि 5 एम्पीयर वाला हम चूज करेंगे, W2 को हम चूज करेंगे, ठीक है। और साथ ही जो पावर फैक्टर है वो कम होना चाहिए, तो W2 का जो पावर फैक्टर है वो है लो पावर फैक्टर, वो ऑलरेडी कम है, यानी कि W2 जो वॉट मीटर है वो हमारे लिए सुटेबल है फॉर ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो फर्स्ट इसने कहा है ओपन सर्किट टेस्ट, तो ओपन सर्किट टेस्ट के लिए हमने कौन सा चूज किया है, W2 को। अब आते हैं हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट पे। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या है, वोल्टेज की रेटिंग यहां पर कम है, वोल्टेज कम अप्लाई करते हैं, तो जो वॉट मीटर हम यूज करेंगे उसमें वोल्टेज की रेटिंग शुड बी लो, हाई वोल्टेज रेटिंग की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। लेकिन यहां पर जो करंट फ्लो करता है वो है हाई करंट, रेटेड करंट है, तो जब रेटेड करंट फ्लो करता है तो करंट की वैल्यू शुड बी हाई होनी चाहिए, ठीक है। वोल्टेज की रेटिंग कम होनी चाहिए, करंट की रेटिंग हाई होनी चाहिए, और साथ ही पावर फैक्टर हाई होना चाहिए। कौन सा वॉट मीटर सुटेबल होगा, W3 सुटेबल होगा ये, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए W3 ये सुटेबल होगा। ओके, ओपन सर्किट टेस्ट के लिए W2, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए W3, ये दोनों वॉट मीटर सुटेबल होंगे। ऑप्शंस को देख लीजिए, लास्ट ऑप्शन में गिवन है W2 एंड W3 रेस्पेक्टिवली, सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो संपनर्स टेस्ट, या फिर इसको हम बोलते हैं बैक टू बैक टेस्ट, इसको और भी हम नाम से बुलाते हैं इसको, इसको हम रीजेनरेटिव टेस्ट भी बोलते हैं, रीजेनरेटिव टेस्ट भी बोलते हैं। इज डन ऑन ट्रांसफॉर्मर टू डिटरमिन व्हाट, लीकेज इंपेडेंस और टेम्परेचर राइज, वोल्टेज रेगुलेशन, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ वाइंडिंग। किस चीज को फाइंड आउट करने के लिए, किस चीज को डिटरमिन करने के लिए हम संपनर टेस्ट या फिर बैक टू बैक टेस्ट हम करते हैं ट्रांसफॉर्मर पे। तो देखो ट्रांसफॉर्मर पे हम दो टेस्ट करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ये दोनों टेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है, ओपन सर्किट टेस्ट हमें ये बता देगा कि जो ट्रांसफॉर्मर का कोर आपने यूज किया है ना, जो CRGO मटेरियल जो आपने यूज किया, जो मटेरियल आपने यूज किया कोर, मैग्नेटिक कोर, उसमें लॉसेस कितने होंगे, क्योंकि वो आइडियल कोर नहीं है, प्रैक्टिकल कोर है, नॉन लीनियर कोर है, उसमें लॉसेस तो होंगे, तो वो आपको बताएगा कि उसमें लॉसेस कितने होने हैं, यानी कि लॉस के जो कंपोनेंट है वो आपको बता देगा। लॉस के कंपोनेंट मींस वहां से आपको लॉस के रिस्पेक्टिव में, लॉस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी RC वो बताएगा, या फिर मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस आपको बताएगा, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट बताएगा, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट बताएगा। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको ओपन सर्किट टेस्ट से मिल जाता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से आपको क्या मिलता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है कि जो वाइंडिंग आपने यूज़ किया है HV साइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर एंड LV साइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, जो भी आपने वाइंडिंग यूज़ किया है उसका रेसिस्टेंस कितना है, वो रेसिस्टेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देगा, वाइंडिंग का रेसिस्टेंस। और साथ ही वो आपको ये भी बताएगा कि जब वाइंडिंग में आप करंट फ्लो करवाते हो ना, तो कुछ जो फ्लक्स हैं सारे के सारे लिंक नहीं होते दूसरे वाइंडिंग से, कुछ लीकेज फ्लक्स भी होता है, उसमें फ्लक्स लीकेज होते हैं, तो उस लीकेज फ्लक्स की वजह से जो लीकेज रिएक्टेंस होगा, उस लीकेज रिएक्टेंस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है वो। तो ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से लगभग इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, सो दैट आप यहां से उसका वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट कर सकते हो, उसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप वहां से निकाल सकते हो। बट
जब ट्रांसफार्मर में लॉसेस होंगे, एक तो उसके कोर में लॉस हो रहा है, दूसरा उसके ऊपर जो आपने वाइंडिंग लगाया वाइंडिंग में पावर लॉस हो रहे हैं, और इतने सारे जो पावर लॉस हो रहे हैं, पावर लॉस मीन्स वॉट? डेसिपेशन। जब पावर डेसिपेट हो रहा है वहां पर, इट मीन्स वहां से हीट प्रोड्यूस होगा, जो कोर है या फिर जो वाइंडिंग है उसमें हीट आएगा, हीट एनर्जी, जो पावर है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। इसीलिए तो ट्रांसफार्मर ऑयल हम यूज करते हैं कि उसको वो ठंडा रख सके, कूल कर सके। तो यहां से हमें ये पता नहीं चलता है कि उसमें जो हीट पावर लॉस की वजह से जो हीट आएगा उसकी वजह से कितना टेम्परेचर राइज होगा, सो दैट हम वहां पर जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है उसे हम डालेंगे तो उसका डायलेक्ट्रिक्स भी तो हमें चेक करना पड़ेगा, है ना? जो ट्रांसफार्मर का ऑयल होता है उसका ऑयल का ब्रेकडाउन ना हो जाए, राइट? ऑयल का तो ब्रेकडाउन अगर हो गया फिर तो इंसुलेशन ही खत्म हो गया, फिर तो शॉर्ट सर्किट, फिर तो ट्रांसफार्मर में आग लग जाएगी, राइट? तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी होता है कि जब हम लोड लगाते हैं ट्रांसफार्मर पे तो उसके पूरे के पूरे में, उसके कोर में हो या फिर वाइंडिंग में हो, टोटल जो हीट निकलता है उसकी वजह से टेम्परेचर राइज कितना होगा, सो दैट हम सुटेबल ट्रांसफार्मर ऑयल उसमें हम डाल सकें कि वो प्रॉपर कूलिंग करके रखे, और वो कूलिंग तो करे और साथ ही ऑयल का ब्रेकडाउन भी ना हो, राइट? वो मेंटेन रहे उसका डायलेक्ट्रिक्स। इसके लिए हम करते हैं संपनर टेस्ट या फिर बैक टू बैक टेस्ट या फिर रीजेनरेटिव टेस्ट, ठीक है? तो आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन से पता चल गया होगा कि ये जो टेस्ट है ये किसके लिए है, टेम्परेचर राइज को डिटरमिन करने के लिए है, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर द इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर ऑब्टेन्ड आर, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से आपको इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर मिलता है कौन कौन सा? फर्स्ट में गिवन है लीकेज रिएक्टेंस एंड वाइंडिंग रेसिस्टेंस। बिल्कुल, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हो तो आपको वहां पर वाइंडिंग का रेसिस्टेंस मिलता है, जो प्राइमरी साइड की वाइंडिंग है, जो सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग है, या फिर थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है तो तीनों की वाइंडिंग है, जो भी वाइंडिंग उसमें लगा हुआ है उसका वाइंडिंग का रेसिस्टेंस आपको मिल जाता है। साथ ही जो फ्लक्स का लीकेज होता है उसकी वजह से जो लीकेज रिएक्टेंस होगा उस लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू आपको मिलता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट से, ठीक है? तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स। इन अ ट्रांसफॉर्मर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड, इनमें से कौन सा वैलिड है? इन एन ओपन सर्किट टेस्ट कॉपर लॉसेस आर ऑब्टेन्ड, ओपन सर्किट टेस्ट में कॉपर लॉस फाइंड आउट करते हैं, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एंड इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट कोर लॉसेस आर ऑब्टेन्ड, इसने उल्टा लिख दिया है। ओपन सर्किट टेस्ट में हमें कोर लॉस मिलता है यानी कि जो आयरन लॉस मिलता है, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हमें कॉपर लॉस मिलता है, ठीक है? तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बी में कहता है इन एन ओपन सर्किट टेस्ट करंट इज ड्रॉन एट हाई पावर फैक्टर, ओपन सर्किट टेस्ट में हाई पावर फैक्टर पे करंट नहीं होता, ये जो होता है ये LPF होता है, लो पावर फैक्टर पे होता है, और जो हम वाट मीटर यूज करते हैं वो भी LPF वाट मीटर होता है, डिफरेंट वाट मीटर होता है। जो वाट मीटर हम इधर यूज करते हैं ना शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, सेम वाट मीटर हम ओपन सर्किट में यूज नहीं करते हैं, दोनों का पावर फैक्टर अलग अलग होता है। ऑप्शन सी, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में करंट इज ड्रॉन एट जीरो पावर फैक्टर, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। लास्ट ऑप्शन देखिए, इन एन ओपन सर्किट टेस्ट करंट इज ड्रॉन एट लो पावर फैक्टर, सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एट। ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट आयरन लॉसेस आर नेग्लिजिबल बिकॉज, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान हम आयरन लॉस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसका क्या रीजन है? ऑप्शंस देखिए, वोल्टेज ऑन सेकेंडरी साइड इज हाई, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ऐसा होता है क्या कि सेकेंडरी साइड का वोल्टेज हाई हो, ऐसा होता है? नहीं। वोल्टेज अप्लाइड ऑन प्राइमरी साइड इज लो, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ऐसा होता है, ओके? ऑप्शन सी, करंट इन सेकेंडरी साइड इज लो, सेकेंडरी साइड में जो करंट है क्या वो लो होगा? नो, क्योंकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, रेटेड करंट फ्लो करता है, लो करंट नहीं होगा। करंट
करंट इन प्राइमरी साइड इज लो, नो, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। यही वो रीजन है जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान हम यहां पर आयरन लॉस को नेग्लेक्ट करते हैं, ओके, क्योंकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान वेरी वेरी लो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, और जब लो वोल्टेज आप अप्लाई करोगे तो लो वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से जो ट्रांसफॉर्मर में जो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स बहुत ही कम होगा, और जो कोर लॉसेस होते हैं, चाहे हिस्टेरेसिस हो या फिर एडी करंट लॉस हो, दोनों ही फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, वोल्टेज स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं। आप वोल्टेज के फॉर्म में देखो तो वोल्टेज स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आप वोल्टेज को हाफ कर दोगे तो वहां पर जो कोर लॉस होगा वो लगभग लगभग 1/4 हो जाएगा। लगभग लगभग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो हिस्टेरेसिस लॉस होते हैं वो V^(1.6) के प्रोपोर्शन होता है, वी स्क्वायर के प्रोपोर्शन नहीं होता है, ठीक है। तो नियर अबाउट आप मान के चलो कि 1/4 हो जाएगा, इतना कम हो जाता है। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में तो हम यही करते हैं, लो वोल्टेज अप्लाई करते हैं प्राइमरी साइड, तो जब हम लो वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो फ्लक्स कम होगा, उसकी वजह से जो लॉसेस होंगे वो कम होगा, आयरन लॉस, जो आयरन लॉस होगा, आयरन लॉस की मैं बात कर रहा हूँ, हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस, आयरन लॉसेस हमारे कम हो जाएंगे, इसलिए हम उसको नेगलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, द आयरन लॉसेस आर नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर बिकॉज, क्वेश्चन सेम है बट ऑप्शन आर डिफरेंट। तो इस तरीके से देख लो, कॉपर लॉसेस इंक्लूड आयरन लॉसेस, क्या ऐसा होता है, नहीं। आयरन कोर इज फुल्ली सैचुरेटेड, क्या इसकी वजह से होता है, नो। द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इन्फ्लुएंसेस कॉपर लॉसेस, नो। द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द नॉर्मल फ्लक्स। नॉर्मली जब हम ट्रांसफॉर्मर में रेटेड वोल्टेज अप्लाई करेंगे तब जो फ्लक्स आएगा, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स आएगा जो कोर में, जो हमारा कोर फ्लक्स होगा, और दूसरे केस में जब आप वेरी वेरी लो वोल्टेज अप्लाई कर दो तब जो फ्लक्स आएगा वो बहुत ही कम फ्लक्स होता है, उसकी वजह से हिस्टेरेसिस लॉस कम हो जाते हैं, एडी करंट लॉस कम हो जाते हैं। इट मींस ओवरऑल जो हमारा कोर लॉस होगा या फिर आयरन लॉस होगा वो नेग्लिजिबल हो जाता है, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो 10 KVA 66/330 volt 50 Hz सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर took 10 ampere एंड 436 watt एट 100 volt इन अ शॉर्ट सर्किट टेस्ट रेफरिंग टू द हाई वोल्टेज साइड। शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर रहे हो, पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मर का जो पैरामीटर है उसको आपने हाई वोल्टेज साइड रेफर करके रखा है, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है इसको तो पहले ड्रॉ कर लो। ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान दिस इज आर इक्विवेलेंट और दिस इज जे एक्स इक्विवेलेंट और एलवी साइड यहां पर है शॉर्टेड लाइक दिस, हमने इसको शॉर्ट कर दिया है। हाई वोल्टेज साइड हमने वोल्टेज अप्लाई किया है, कितना वोल्टेज अप्लाई किया, इसने दिया है कि एट 100 volt 100 volt यहां पर हमने अप्लाई किया है एचवी साइड, और ये करंट कितना ले रहा है, इस करंट के बारे में गिवन है कि ये 10 ampere का करंट ले रहा है, और पावर कितना ये ले रहा है, 436 watt, ओके। अब इसने आगे क्या कहा है, द वोल्टेज टू बी अप्लाइड टू द हायर वोल्टेज साइड ऑन फुल लोड एट 0.8 PF लैगिंग व्हेन द सेकेंडरी लोड वोल्टेज इज 330 volt विल बी वॉट, ओके। यहां से एक्चुअली आपको क्या करना है, जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट का इन्फॉर्मेशन दिया है इससे आपको R इक्विवेलेंट को फाइंड आउट कर लेना है और X इक्विवेलेंट को फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं फिर आगे हम बात करेंगे। देखिए पावर लॉस इसने कितना बोला है, पावर लॉस इज इक्वल टू 436 वॉट, और हम जानते हैं कि जो पावर लॉस होगा वो सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर में होता है, इंडक्टर में कोई भी एक्टिव पावर लॉस नहीं होता। तो यहाँ रेसिस्टर है आर इक्विवेलेंट, जो भी पावर लॉस होगा वो सब इसी में होगा। अब इस आर इक्विवेलेंट में करंट कितना फ्लो करता है, 10 ampere, तो पावर लॉस कितना हो जाएगा, पावर लॉस हो जाएगा 10
एम्पियर का स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट, है ना, आई स्क्वायर आर होता है पावर लॉस, एंड विच इज इक्वल टू 436 वॉट। यहां से हम आर इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करेंगे। सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 436 डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर, इट मीन्स 100, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 4.36 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मिल गई है 4.36 ओम, ठीक है। अब देखो, अब यहां से आप जेड को भी फाइंड आउट कर सकते हो, टोटल इंपेडेंस, राइट, टोटल इंपेडेंस जेड को फाइंड आउट कर सकते हो ना। आपको वोल्टेज पता है, जो अप्लाइड वोल्टेज है वो आपको पता है, जो करंट फ्लो करता है होल सर्किट में वो आपको पता है, तो जेड को फाइंड आउट कर लो। जेड इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज विच इज 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय फ्लोइंग करंट विच इज 10 एम्पीयर, तो ये कितना हो जाएगा 10 ओम। इंपेडेंस है इस सर्किट का 10 ओम। जेड की वैल्यू आपको पता है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको पता है, तो एक्स इक्विवेलेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्स इक्विवेलेंट हो जाएगा रूट ओवर ऑफ जेड स्क्वायर माइनस आर इक्विवेलेंट का होल स्क्वायर, रूट ओवर ऑफ जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू है 10, इसका स्क्वायर करेंगे 100, माइनस आर इक्विवेलेंट स्क्वायर, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है 4.36, इसका स्क्वायर कर देते हैं, 4.36 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 19। व्हाट इज दिस इज 19, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 19 यानी कि 81, 81 का रूट हो जाएगा 9, तो ये हो गया 9 ओम। एक्स इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें मिल गई 9 ओम, ठीक है। आर इक्विवेलेंट आपको मिल गया, एक्स इक्विवेलेंट मिल गया। अब आपको क्या करना है, इसने कहा है कि द वोल्टेज टू बी अप्लाइड, अप्लाइड वोल्टेज आप फाइंड आउट करो सो दैट सेकेंडरी साइड में 330 वोल्ट पर हम एक फुल लोड को कनेक्ट करेंगे विथ अ पावर फैक्टर ऑफ 0.8 लैगिंग, ये है। तो अप्लाइड वोल्टेज आप इनपुट साइड का बता दो, ये इसने कहा है। अब देखो फुल लोड पे करंट क्या होगा, मैं इसको दो मेथड से आपको डील करके बताता हूँ। फर्स्ट मेथड यहाँ से हम देखिए, फर्स्ट मेथड इसमें क्या करना है, फुल लोड करंट है, फुल लोड कनेक्टेड है तो फुल लोड करंट फ्लो करेगा, ठीक है। फुल लोड करंट को फाइंड आउट कर लो, किस साइड, हाई वोल्टेज साइड, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा जो अभी तक प्रोसेस हुआ है हाई वोल्टेज साइड हुआ है, ठीक है। आर इक्विवेलेंट रेफर किया हुआ हाई वोल्टेज साइड है, एक्स इक्विवेलेंट रेफर किया हुआ हाई वोल्टेज साइड है, तो करंट हम फाइंड आउट करेंगे हाई वोल्टेज साइड का रेटेड करंट यानी कि फुल लोड करंट। तो IFL फुल लोड करंट इज इक्वल टू व्हाट, केवीए रेटिंग के बने 100 केवीए, तो क्या करोगे 100 केवीए डिवाइडेड बाय हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज विच इज 6600। कैलकुलेट करिए कि फुल लोड पर कितना करंट फ्लो करेगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस इट मींस 15.1515 एम्पीयर, ये है फुल लोड करंट, इतना करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब आप क्या करो, यहां पर लोड के साथ सर्किट को ड्रॉ कर लो, इक्विवेलेंट सर्किट, आर इक्विवेलेंट है, आर इक्विवेलेंट कितना है यहां पर, आर इक्विवेलेंट 4.36 ओम, जे एक्स इक्विवेलेंट कितना है 9 ओम, इस साइड अप्लाई किया गया वोल्टेज है, मैं इसको लिखता हूं दिस वोल्टेज है V1, ये जो वोल्टेज है इस वोल्टेज को आप V2 मत लिखना, ये गलती मत करना, ये जो है ये है सेकेंडरी साइड का वोल्टेज रेफर टू प्राइमरी साइड, क्योंकि होल सर्किट को मैंने रेफर किया है प्राइमरी साइड, तो यहां का जो वोल्टेज होगा ये V2 नहीं होगा, दिस इज V2 होगा, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज रेफर टू प्राइमरी साइड। अब इसने कहा है कि सेकेंडरी लोड वोल्टेज है 330 वोल्ट, तो यहां पर आप 330 मत लिखना, 330 होगा V2, लेकिन V2 को जब हम प्राइमरी साइड रेफर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6600 वोल्ट, राइट। अब यहां पर आपने किया है एक लोड को कनेक्ट, दिस इज अ लोड L, लोड में करंट कितना फ्लो करता है, नो लोड करंट है, तो यहां पर मैं लिखता हूं ये लोड करंट है कितना 15.1515 एम्पीयर, और इसका कुछ एंगल भी होगा क्योंकि लोड हमारा है लैगिंग और 0.8 पीएफ लैगिंग है, तो यहां पर
लैगिंग के कारण एंगल हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस कितना हो जाएगा 36.87 डिग्री, ये इतना करंट इसमें फ्लो करते हैं। अब V1 को आपको फाइंड आउट करना है, क्या प्रोसीजर है V1 को फाइंड आउट करने का, V1 को आपको फाइंड आउट करना है। देखिए V1 को आप लिखोगे V1 इज इक्वल टू यहां का जो वोल्टेज है 6600, इसको आप रेफरेंस मान लो तो एंगल इसका 0 डिग्री हो जाएगा, प्लस अब यही करंट, ये करंट यहां से फ्लो करता है, ये जो करंट है लोड करंट, इसको मैं बोल देता हूं IL लोड करंट, क्यों लोड करंट ही तो फुल लोड करंट है, फुल लोड कनेक्टेड है तो जो लोड करंट होगा वो फुल लोड करंट होगा, है ना, तो दिस करंट इज IL। अब यहां पर इस पूरे के पूरे इंपेडेंस में होगा वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, तो इस वोल्टेज ड्रॉप को आपको लिख लेना है। तो क्या लिखोगे यहां पर, आप लिखोगे IL जो करंट है इनटू 4.36 प्लस J9, इसको आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करोगे तो V1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। देखो V1 इज इक्वल टू 6600 एंगल 0 डिग्री प्लस IL की वैल्यू कितनी है, IL है यहां पर मैं लिख रहा हूं नीचे, IL है 15.15 को मैं 2 लिख दे रहा हूं, एंगल है -36.87 डिग्री इंटू 4.36 प्लस J9, इसको यदि मैं मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में लिखूं तो इसका मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा 10, मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा 10 और एंगल इसका क्या हो जाएगा 4.36 प्लस है J9, दिस इज 64.15 डिग्री। सो इन दोनों को जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा 151.2 और एंगल हमारा हो जाएगा 64.15 माइनस 36.87, इट मीन्स ये हो जाएगा 27.28 डिग्री। ये अब क्या करना है, जो ये वोल्टेज है 6600 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, इसमें आपको इसको ऐड करना है, तो ये हो जाएगा V1। सो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6600 एंगल 0 डिग्री प्लस 151.2 एंगल 27.28 डिग्री, इसको ऐड कर दीजिए आपको V1 की वैल्यू मिल जाएगी 6600 प्लस 151.2 एंगल 27.28, इट मीन्स ये हो गया 6734.7, दिस इज 6734.7 वोल्ट। अब इसके साथ कुछ एंगल भी आएगा, खैर हमें एंगल की जरूरत नहीं है, तो 6734.7 वोल्ट होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन में देखिए, बी ऑप्शन में ऐसा गिवन है, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में हम इसमें वोल्टेज रेगुलेशन अप्लाई करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में बताया था, आई होप आपको पता होगा सारी चीजें। यहां से हम सेकेंड मेथड के लिए पिक करेंगे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू को और एक्स इक्विवेलेंट की वैल्यू को, ठीक है। देखो सेकेंड मेथड, यहां पर हमने पिक किया है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4.36 ओम, एक्स इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 9 ओम, यही था ना 4.36, ठीक है। हमें वोल्टेज रेगुलेशन यूज करना है तो इसके लिए हमें चाहिए जेड बेस की वैल्यू चाहिए। जेड बेस किस साइड का, हाई वोल्टेज साइड का, ये क्या हो जाएगा एचवी साइड का जो वोल्टेज है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय केवीए रेटिंग। एचवी साइड का वोल्टेज कितना है 6600, इसका करेंगे स्क्वायर डिवाइडेड बाय केवीए रेटिंग। केवीए कितना है ट्रांसफार्मर का, 100 केवीए, तो दिस इज 100 × 10³। कैलकुलेट करिए, देखो जितने भी मेथड यहां पर पॉसिबल हो सकते हैं आप उसको ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई तो करो, लेकिन जब एग्जाम में जाओगे तो वहां पर
जो भी माइंड में क्लिक किया उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो मेथड आपके पास बहुत सारे, आपको पता होना चाहिए कि ऐसे भी हम सोच सकते हैं, इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं, ऐसे भी डील कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, बेनिफिशियल होगा। 435.6 ओम, ये है जेड बेस। तो आर इक्विवेलेंट और एक्स इक्विवेलेंट को फाइंड आउट कर लेते हैं, सॉरी आर पर यूनिट और एक्स पर यूनिट। सो आर पर यूनिट हो जाएगा आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय जेड बेस, यानी कि 435.6, ये है आर पर यूनिट। और एक्स पर यूनिट कितना होगा, एक्स पर यूनिट हो जाएगा एक्स इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय जेड बेस 435.6, ये हो गया। आर पर यूनिट पता है, एक्स पर यूनिट पता है, और लोड का पावर फैक्टर आपको पता है 0.8 लैगिंग। तो आप लिखोगे कि कॉस फाइ इज इक्वल टू 0.8 लैगिंग, जब कॉस फाइ है 0.8 तो साइन फाइ कितना हो जाएगा, साइन फाइ 0.6 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हम वोल्टेज रेगुलेशन यूज करेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू व्हाट, आर पर यूनिट कॉस फाइ प्लस एक्स पर यूनिट साइन फाइ। आर पर यूनिट कितना है 4.36 डिवाइडेड बाय 435.6, कॉस फाइ कितना है 0.8 प्लस एक्स पर यूनिट 9 डिवाइडेड बाय 435.6, साइन फाइ 0.6। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 4.36 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय 435.6, इट मीन्स ये हो जाएगा, दिस इज 0.008 प्लस, इसको कैलकुलेट करिए, 9 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 435.6, इट मीन्स दिस इज 0.0124, ऐड कर दीजिए तो दिस प्लस 0.008, इट मीन्स ये हो जाएगा 0.0204, दिस इज 0.0204। ये है वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू। अब वोल्टेज रेगुलेशन को हम लिखते कैसे हैं, वोल्टेज रेगुलेशन को हम लिखते हैं नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज, ऐसे लिखते हैं। नो लोड वोल्टेज क्या होता है, जो अप्लाई किया हुआ वोल्टेज होता है वही होता है नो लोड पे वोल्टेज, राइट। तो ये हो जाएगा अप्लाइड वोल्टेज, और फुल लोड वोल्टेज, फुल लोड पे वोल्टेज टर्मिनल का कितना है, यहां पर इसने कहा है कि सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है 330 वोल्ट, तो ये तो V2 है, हमें क्या करना है, V2 डैश को लिखना है ना, क्योंकि जो ये पूरा का पूरा जो हम काम करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन पर, वो भी क्या होता है, वो भी इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग ही होता है। ये है इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम रेफर टू हाई वोल्टेज साइड। तो यहाँ पर ये जो हमारा इनपुट वोल्टेज है, इसको मैंने V1 लिखा, ये इनपुट वोल्टेज है। अब यहाँ का जो वोल्टेज है दिस इज V2 डैश, राइट। ये जो हमारा V2 डैश है एट लोड, जब आप लोड को कनेक्ट करते हो तो यहाँ का जो V2 डैश है ये है फुल लोड वोल्टेज रेफर टू हाई वोल्टेज साइड, और इसकी वैल्यू कितनी है 6600, राइट। अब जब यहाँ से लोड को हटा दोगे तब इसी टर्मिनल का कितना वोल्टेज होगा, लोड को रिमूव करने के बाद जब इसको हम नो लोड पे करेंगे तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो जो भी आप यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करोगे V1, वही हमारा टर्मिनल का वोल्टेज यहाँ का वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू नो लोड वोल्टेज है V1 यानी कि अप्लाइड वोल्टेज माइनस वी फुल लोड, ये कितना है 6600, ओके। इसको आप 330 मत एज्यूम कर लेना, जैसे 6600 डिवाइडेड बाय 6600 इज इक्वल टू व्हाट, वोल्टेज रेगुलेशन हमने कितना कैलकुलेट किया है 0.0204। यहां से आप V1 को फाइंड आउट कर लो, यही तो है अप्लाइड वोल्टेज ऑन प्राइमरी साइड। सो आप लिखोगे दिस इनटू 6600, इट मींस ये हो जाएगा 134.6 इज इक्वल टू V1 माइनस 6600। सो यहां से आप लिख सकते हो कि V1 इज इक्वल टू,
ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 10 प्लस 6600 इट मीन 6734, दिस इज 6734.6 वोल्ट, ये आया। फर्स्ट मेथड से भी यही वोल्टेज आया था, सेकंड मेथड से भी यही वोल्टेज है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 10 के लिए 400 वोल्ट बाय 200 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर विथ 10% इंपेडेंस ड्रॉज अ स्टडी शॉर्ट सर्किट लाइन करंट ऑफ वॉट। यहां पर क्या कहता है, इंपेडेंस की वैल्यू गिवन है 10%, यानी कि हम इसको पर यूनिट में लिख सकते हैं। तो यहां भी सॉल्व करने के दो मेथड हैं। पहले मैं मेथड वन की बात करता हूं, फर्स्ट मेथड, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। फर्स्ट मेथड, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि शॉर्ट सर्किट के केस में ये कितना करंट ड्रॉ करेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है शॉर्ट सर्किट के केस में, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट के केस में यहां पर आप इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम को ड्रॉ कर लो ऐसा, शॉर्ट सर्किट, अप्लाइड वोल्टेज, हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज रखना है, कितना होगा 400 वोल्ट, ओके, ठीक है। यहां पर दिस इज जेड, इंपेडेंस है ये, टोटल इंपेडेंस, इंपेडेंस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, क्योंकि इंपेडेंस की वैल्यू इसने परसेंटेज में दी है, इट मींस पर यूनिट में दिया है, ठीक है। तो इसको आप ओम में कन्वर्ट करोगे, इंपेडेंस की वैल्यू को आप कैसे लिखोगे, ओम में आप इसको लिखोगे, है ना, इसकी वैल्यू आपको ओम में लिखना होगा। तो यहां पर आप क्या करोगे, ओम में लिखोगे तो सबसे पहले आपको जेड बेस फाइंड आउट करना होगा। जेड बेस क्या हो जाएगा, जेड बेस यहां पर हो जाएगा हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय केवीए विच इज 10 केवीए, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 ओम, है ना, जेड बेस की वैल्यू आ जाएगी 16 ओम, और जेड पर यूनिट आपको गिवन है 10%, इट मींस 0.1 पर यूनिट। तो यहां से हम जेड की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू हो जाएगा जेड पर यूनिट इंटू जेड बेस, इट मींस दिस इज 1.6 ओम, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1.6 ओम, ये इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है 1.6। अब आप क्या करोगे, ये तो इंपेडेंस आपको मिल गया, अब करंट कितना ये ड्रॉ करेगा, 1.6 ओम जेड की वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू 1.6 ओम, अब ये करंट कितना ड्रॉ करेगा, यही तो फाइंड आउट करना है, दिस इज शॉर्ट सर्किट करंट ISC, सो आप लिखोगे ISC, शॉर्ट सर्किट करंट इज व्हाट, अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इंपेडेंस 1.6, डिवाइड कर लो 400 डिवाइडेड बाय 1.6, 250 एम्पीयर, कितना आ गया ये 250 एम्पीयर, इतना करंट यहां पर ड्रॉ किया जाएगा, राइट। 250 एम्पीयर मींस व्हाट, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट मेथड तो ये है, सेकंड मेथड में मैं क्या करूंगा कि मैं इसको स्टार्टिंग से ही जो पर यूनिट में गिवन है इंपेडेंस उसको मैं चेंज नहीं करूंगा, मैं पूरा का पूरा सर्किट को सॉल्व ही करूंगा पर यूनिट में, पर यूनिट मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं और लास्ट में वैल्यू को चेंज कर लेंगे एम्पियर में, ठीक है। देखो सेकेंड मेथड, यहां पर जेड पर यूनिट की वैल्यू गिवन है 0.1, यह है 10%, इट मीन 0.1, ओके, जेड पर यूनिट की वैल्यू आपको गिवन है। अब जो आपने वोल्टेज यहां पर अप्लाई किया है, दिस इज जेड, जेड पर यूनिट की वैल्यू आपको पता है, शॉर्ट सर्किटेड है। अब यहां पर जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया, ये तो रेटेड वोल्टेज है 400 वोल्ट, राइट, रेटेड ही अप्लाई किया ना, ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेटिंग हाई वोल्टेज साइड की है 400 वोल्ट, आपने अप्लाई किया है 400 वोल्ट, इट मींस वोल्टेज इज व्हाट, रेटेड। तो रेटेड वोल्टेज का पर यूनिट कितना होगा, 1 पर यूनिट। तो यहां से हम लिखेंगे जो अप्लाइड वोल्टेज है उसका पर यूनिट वैल्यू कितनी है, 1 पर यूनिट, है ना। वोल्टेज इन पर यूनिट को हम कैसे लिखते हैं, वोल्टेज की वैल्यू डिवाइडेड बाय रेटेड वोल्टेज, वोल्टेज की वैल्यू है 400, रेटेड वोल्टेज भी है 400, तो 400 बाय 400 यानी कि 1 पर यूनिट, वोल्टेज आपको मिला है 1 पर यूनिट, ठीक है। यहां से आप करंट फाइंड आउट कर लो कि करंट कितना होगा, आई पर यूनिट, करंट इन पर यूनिट कितना हो जाएगा, वोल्टेज इन पर यूनिट डिवाइडेड बाय
इम्पीडेंस इन पर यूनिट, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 0.1, इट मींस व्हाट, दिस इज 10 पर यूनिट। जो करंट की वैल्यू आएगी वो 10 पर यूनिट आएगी, राइट। यानी कि जो रेटेड करंट होगा उसका 10 टाइम्स इसमें करंट फ्लो करेगा। आई पर यूनिट का यही मीनिंग है कि जो रेटेड करंट होगा ट्रांसफॉर्मर का उसका 10 टाइम्स इसमें करंट फ्लो करेगा। तो हम सबसे पहले यहां पर रेटेड करंट को फाइंड आउट कर लेते हैं। आई रेटेड, रेटेड करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ट्रांसफॉर्मर का रेटिंग देख लो। रेटिंग 10 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है और हाई वोल्टेज साइड की रेटिंग हमें फाइंड आउट करनी है करंट की। हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज कितना है, 400 वोल्ट। तो रेटेड करंट क्या हो जाएगा, केवीए रेटिंग डिवाइडेड बाय वोल्टेज। आई रेटेड इज केवीए रेटिंग, यानी कि 10,000, 10 केवीए डिवाइडेड बाय व्हाट, 400 वोल्ट। कितना हो जाएगा ये, रेटेड करंट आपको मिल गया है 25 एम्पीयर। अब यहां पर जो करंट फ्लो करता है शॉर्ट सर्किट करंट, मैं इसको आईएससी लिख देता हूं, तो आईएससी कितना हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट करंट यहां पर गिवन है कितना, 10 पर यूनिट। दिस इज 10 पर यूनिट, और 10 पर यूनिट का क्या मतलब है, 10 पर यूनिट का मतलब है कि पर यूनिट वैल्यू इंटू रेटेड वैल्यू, रेटेड वैल्यू है 25, इट मींस कितना हो जाएगा, 250 एम्पीयर। तो चाहे आप फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर लो ऐसे, या फिर आप सेकंड मेथड से सॉल्व कर लो, आंसर आपको सेम मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अ 400 वोल्ट बाय 200 वोल्ट ट्रांसफॉर्मर हैज पर यूनिट इंपेडेंस ऑफ 0.05। फिर से यहां पर शायद सेम क्वेश्चन है, अच्छा नहीं वोल्टेज पूछा इसने, ठीक है। देखो इसने कहा है कि जो पर यूनिट इंपेडेंस है, जेड पर यूनिट है, इसकी वैल्यू कितनी है, 0.05। जेड पर यूनिट की वैल्यू आपको पता है। द एच वी साइड वोल्टेज रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट फुल लोड करंट ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऐसा होगा। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान यहां जो शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करता है आईएससी, इसके बारे में इसने क्या कहा है कि टू सर्कुलेट फुल लोड करंट, शॉर्ट सर्किट करंट इज फुल लोड करंट। तो जब हम इसको पर यूनिट में सॉल्व करेंगे तो फुल लोड करंट मींस 1 पर यूनिट, राइट। फुल लोड पर कुछ भी हो, फुल लोड वोल्टेज 1 पर यूनिट, फुल लोड करंट 1 पर यूनिट, राइट। रेटेड पावर, रेटेड लोड 1 पर यूनिट, ठीक है। जो भी रेटेड है, जो भी फुल लोड पे है 1 पर यूनिट। यहां पर शॉर्ट सर्किट करंट के बारे में इसने कहा है कि ये फुल लोड करंट है, इट मीन शॉर्ट सर्किट करंट इज व्हाट, 1 पर यूनिट, ठीक। यहां पर जो इंपेडेंस है जेड, ये इसकी पर यूनिट वैल्यू कितनी है, 0.05। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर जो अप्लाइड वोल्टेज है V, इसको आप पर यूनिट में लिख लो कि V पर यूनिट कितना होगा, V पर यूनिट हो जाएगा क्या, I इन पर यूनिट इंटू इम्पेडेंस इन पर यूनिट। जो करंट इन पर यूनिट है वो कितना है, शॉर्ट सर्किट करंट है जो कि है 1 पर यूनिट, इंटू Z पर यूनिट कितना है, 0.05। तो वोल्टेज पर यूनिट कितना हो जाएगा, 0.05। दिस इज V पर यूनिट। अब रेटेड वोल्टेज कितना है, रेटेड वोल्टेज हाई वोल्टेज साइड का, क्योंकि जब भी आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हो तो दिस इज हाई वोल्टेज साइड, राइट। तो हाई वोल्टेज साइड का रेटेड वोल्टेज कितना है, 400 वोल्ट। यहां देखो 400 वोल्ट है ये हाई वोल्टेज साइड का। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि वी रेटेड, रेटेड वोल्टेज लिख लो या फिर बेस वोल्टेज लिख लो, वी बेस, दोनों बात एक ही है। इसकी वैल्यू कितनी है, 400 वोल्ट। तो बेस वोल्टेज आपको पता है, पर यूनिट में वोल्टेज की वैल्यू पता है, तो वोल्ट में इसको फाइंड आउट कर लो। कैसे करोगे, वोल्ट में फाइंड आउट, V इज इक्वल टू, या फिर मैं इसको V1 लिख देता हूँ, या फिर रहने दो, V इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पर V को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये हो जाएगा पर यूनिट वैल्यू इनटू बेस वैल्यू। कैलकुलेट कर लीजिए, 400 इनटू 5/100, इट मींस हो जाएगा ये 20 वोल्ट। तो जो अप्लाइड वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। फॉर शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर द इंस्ट्रूमेंट्स आर कनेक्टेड ऑन व्हाट साइड। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए इंस्ट्रूमेंट कहां लगाते हैं, एचवी साइड लगाते हैं।
ओपन सर्किट टेस्ट के लिए इंस्ट्रूमेंट कहां लगाते हैं? एलवी साइड लगाते हैं। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल परफॉर्मिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन अ सिंगल फेज 110 by 220 volt 50 hertz ट्रांसफॉर्मर विथ एलवी साइड शॉर्टेड वॉट मीटर रीडिंग इज फाउंड टू बी 20 watt? कौन सा टेस्ट है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। वेट, कौन सा टेस्ट किया जा रहा है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। एलवी साइड शॉर्टेड है, वॉट मीटर की रीडिंग है 20 watt, यानी कि जो कॉपर लॉस होगा वो होगा 20 watt। देखो, एक ट्रांसफॉर्मर है जिसका एलवी साइड हमने शॉर्ट किया है और शॉर्ट करके हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया है, तो जो वॉट मीटर की रीडिंग है वो है 20 watt। अब इसने क्या कहा, इफ द सेम टेस्ट इज परफॉर्म्ड, सेम टेस्ट को हमें करना है ऑन सेम ट्रांसफॉर्मर विथ एचवी साइड शॉर्टेड। शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम कहाँ करते हैं? जनरली शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमें एचवी साइड ही किया जाता है ना, एचवी साइड किया जाता है। लो वोल्टेज साइड शॉर्टेड होता है, एचवी साइड इंस्ट्रूमेंट लगता है, लो वोल्टेज साइड शॉर्टेड होता है। तो फर्स्ट केस में इसने क्या किया, लो वोल्टेज साइड को इसने शॉर्ट किया है और शॉर्ट सर्किट टेस्ट इसने परफॉर्म किया है, इसको जो वॉट मीटर की रीडिंग थी ये 20 वॉट मिला है। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसने क्या किया कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट ये फिर से कर रहा है, जिसमें इंस्ट्रूमेंट अब लगाएगा लो वोल्टेज साइड और हाई वोल्टेज साइड को ये करेगा शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तब वॉट मीटर की रीडिंग क्या होगा ये आपसे पूछा है। देखो, इसको कैसे समझोगे कि केस नंबर वन में क्या किया गया, इंस्ट्रूमेंट हाई वोल्टेज साइड और एंड एलवी साइड शॉर्टेड। हाई वोल्टेज साइड इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, लो वोल्टेज साइड को हम करेंगे शॉर्ट। तो पूरा का पूरा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम आप रेफर कहां करोगे? हाई वोल्टेज साइड। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ हाई वोल्टेज साइड। तो यहां पर रेफर कर रहा हूं पूरा का पूरा सर्किट को हाई वोल्टेज साइड। हाई वोल्टेज साइड में वोल्टेज की वैल्यू है 220 वोल्ट। ठीक है, एचवी साइड रेफर्ड। ओके, अब ये जो करंट फ्लो करेगा, दिस करंट इज एचवी साइड करंट, आई एच वी, राइट। ये जो रेसिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट, मैं इसको लिख देता हूं एचवी साइड का आर इक्विवेलेंट है। अब बताओ इसमें जो पावर लॉस होगा वो कितना होगा? पावर लॉस होता है करंट स्क्वायर इनटू रेसिस्टेंस। करंट है आई एच वी, रेसिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट एच वी। इसमें पावर लॉस कितना होगा? यहां पर जो पावर लॉस होगा मैं इधर लिख देता हूं, पावर लॉस इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट पी एस सी इज इक्वल टू एच वी साइड का करंट का स्क्वायर इनटू आर इक्विवेलेंट, किस साइड का? एच वी साइड रेफर किया हुआ। ठीक है, ये पावर लॉस है और इसी पावर लॉस की वैल्यू आपको बताया गया है कि ये है 20 वॉट, कि जो हमारा वॉट मीटर है वो 20 वॉट को रीड कर रहा है, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मर है शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान 20 वॉट वो ले रहा होगा। ठीक है, केस वन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे केस टू की। सेकेंड केस में हम क्या करते हैं ना कि एच वी साइड को शॉर्ट करते हैं, इट मींस लो वोल्टेज साइड हम यहां पर इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसको मैंने लगाया है एलवी साइड एंड एच वी साइड को मैंने किया है शॉर्ट, एच वी साइड शॉर्टेड। ओके, एच वी साइड को मैंने किया है शॉर्ट, लो वोल्टेज साइड मैंने लगाया है इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब देखो, अब जब हमने इंस्ट्रूमेंट लगाया है एलवी साइड तो पूरे के पूरे सर्किट को हम रेफर करके लेके जाएंगे एलवी साइड,
या फिर मैं इसका थोड़ा सा ओरिएंटेशन भी चेंज कर देता हूं, ठीक है? देखो, दिस इज, ये है एचवी साइड, एचवी साइड मैंने कर यहां कर दिया है शॉर्ट, और ये है एलवी साइड। एलवी साइड का वोल्टेज कितना है? 110 वोल्ट। हमने इस साइड वोल्टेज लगाया है, और यहां जो रेसिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट एलवी साइड का रेसिस्टेंस होगा। अब ये करंट कितना ड्रॉ करेगा? ये होगा लो वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड का करंट आई एल वी। अब इसमें पावर लॉस कितना होगा ये बताओ? अब इसमें जो पावर लॉस होगा वो क्या होगा? यहां से मैं लिखूंगा कि इस केस में जो पावर लॉस होगा, शॉर्ट सर्किट पावर लॉस इज इक्वल टू लो वोल्टेज साइड का करंट स्क्वायर इनटू रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट एलवी साइड। देखो, दो पावर आपके पास पता है आपको, एक है केस वन का पावर लॉस, ये केस टू का पावर लॉस ये। अब आप देखो दोनों को कंपेयर करो कि दोनों का पावर लॉस में कौन सा पावर लॉस ज्यादा है, कौन सा कम है, या फिर इक्वल है, किस तरीके से रिलेट करोगे इसको। देखो, सेकेंड केस वाला जो पावर लॉस है उसको मैं यहां लिखता हूं। वेट, थोड़ा कलर में चेंज कर लेता हूं। सेकेंड केस, वेट वेट वेट, सेकेंड केस का पावर लॉस हमें क्या मिला है? दिस इज इक्वल टू लो वोल्टेज साइड का करंट का स्क्वायर इनटू आर इक्विवेलेंट रेफर टू लो वोल्टेज साइड, यही मिला है। अब आप बताओ मुझे कि लो वोल्टेज साइड का जो करंट होगा, लो वोल्टेज साइड का करंट और हाई वोल्टेज साइड का करंट, इसमें क्या रिलेशन है? लो वोल्टेज साइड का करंट जो होगा, यहां पर टर्न्स रेशियो देख लो, टर्न्स रेशियो क्या है? 110/220, टर्न्स रेशियो है 2। वोल्टेज जब हाई वोल्टेज साइड का 2 टाइम्स ज्यादा है तो लो वोल्टेज साइड में करंट 2 टाइम्स ज्यादा होगा, यानी कि आई एल वी क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ वॉट? आई एच वी। एच वी साइड में जितना करंट फ्लो करेगा उसका 2 टाइम्स करंट फ्लो करेगा लो वोल्टेज साइड में, क्योंकि टर्न्स रेशियो यहां पर है 2। ठीक है, लो वोल्टेज साइड का करंट हमें पता है 2 × IHV। अब देखो, आर इक्विवेलेंट रेफर टू लो वोल्टेज साइड, इसको आप कैसे लिखोगे? आर इक्विवेलेंट रेफर टू लो वोल्टेज साइड, इसको आप लिखोगे क्या? आर इक्विवेलेंट रेफर टू हाई वोल्टेज साइड डिवाइडेड बाय टर्न्स रेशियो स्क्वायर, टर्न्स रेशियो स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो टर्न्स रेशियो गिवन है 2, तो यहां पर हम क्या करेंगे? 2 के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट एलवी। तो ये दोनों जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किए हैं उसको हमें यहां पर पुट करना है। आई एल वी को हम यहां पर क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आई एच वी, इसका करेंगे स्क्वायर इनटू, अब क्या है? आर इक्विवेलेंट एल वी। आर इक्विवेलेंट एल वी को हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे आर इक्विवेलेंट एच वी डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, यानी कि 4। दिस इज 4। यहां से देखो ये क्या हो जाएगा? 4 × IHV² इनटू आर इक्विवेलेंट एच वी साइड डिवाइडेड बाय 4। अब देखो, दिस 4 एंड दिस 4 कैंसल आउट, आपको क्या मिला है? दिस इज इक्वल टू, आपको मिला है हाई वोल्टेज साइड का करंट स्क्वायर इनटू आर इक्विवेलेंट रेफर टू एच वी साइड। ये है शॉर्ट सर्किट पावर लॉस ऑफ केस 2। केस 2 में जो ये वैल्यू था इसी को तो हमने वहां पर सिंप्लीफाई किया है, और यही पावर लॉस तो आपको केस वन में मिला है। यहां देखो, यही पावर लॉस तो है, यानी कि केस वन में जो पावर लॉस है और जो केस टू में पावर लॉस है बोथ आर सेम। यहां से कंक्लूजन क्या निकला है कि अगर आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हो तो चाहे आप लो वोल्टेज साइड में इंस्ट्रूमेंट लगाओ या फिर आप हाई वोल्टेज साइड में इंस्ट्रूमेंट लगाओ, उससे आपके टेस्ट के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी डेटा है वो सारा का सारा सेम आएगा, सारी वैल्यूज आपको सेम मिलेंगी, चाहे आप किसी भी साइड में टेस्ट कर लो। ठीक है, तो जब हमने केस वन में एच वी साइड टेस्ट किया था तो हमें वहां पर वॉट मीटर की रीडिंग मिल रही थी 20 वॉट, तो केस टू में जब हम एल वी साइड टेस्ट करेंगे वहां भी वॉट मीटर की रीडिंग कितनी होगी? 20 वॉट ही होगी। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इन अ ट्रांसफॉर्मर एक्साइटिंग करंट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स नेमली मैग्नेटाइजिंग करंट IM एंड कोर लॉस करंट IC विथ नेग्लिजिबल लीकेज इंपेडेंस ड्रॉप वी इज द सप्लाई वोल्टेज। यहां पर क्या है ना, देखो वी इज द सप्लाई वोल्टेज, दिस इज प्राइमरी साइड इंड्यूस्ड EMF, और इसको आप नियर अबाउट वी लिख सकते हो, नियर अबाउट वी लिख सकते हो, लेकिन वी के इक्वल नहीं होता है, राइट right? मैं पहले ही बता देता हूं। तो E1 और वर्सेस नो लोड करंट, दिस इज नो लोड करंट, इसके बीच में एंगल हो जाएगा एक फाइव। ये जो नो लोड करंट है इसको दो पार्ट में हम ब्रेक करेंगे, एक हो जाएगा ये मैग्नेटाइजिंग करंट जिसको मैं बोलूंगा IM, और एक हो जाएगा इधर कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट जिसको मैं बोलूंगा IC, राइट right? अब देखो इसी के बारे में आपसे पूछा है कि जो हमारा IM है वो लैग करता है वी से, यहाँ पर वी से, वी हमारा अप्लाइड वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है, लेकिन वो एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट होता है वो ऐसा नहीं होता, वो होता है इंड्यूस्ड EMF इन प्राइमरी साइड, जो प्राइमरी साइड है वहां का इंड्यूस्ड EMF है उससे वो 90 डिग्री लैग करता है, ठीक है। खैर देखो इसने क्या कहा स्टेटमेंट वन में, बोथ IM एंड IC लैग्स सप्लाई वोल्टेज बाय 90 डिग्री, इनकरेक्ट। IM एंड IC बोथ आर इन फेज विथ V, नो। यहां पर देखो जो IC है वो V के साथ फेज में है, लेकिन जो IM है वो V से 90 डिग्री लैग करता है। ऑप्शन सी को रीड करो, IM lags V by 90 डिग्री वेयर एज IC इज इन फेज विथ V, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An open circuit test is conducted on 1100 by 110 volt 50 hertz single phase transformer with instrument connected on low voltage side of the transformer. कौन सा टेस्ट किया गया है? Open circuit test. The voltmeter reads 110 volt. Open circuit test है, ठीक है? देखो. OC test. OC test में जो equivalent circuit diagram होता है वो हमारा ऐसा होता है. This is. लो वोल्टेज साइड, वोल्टेज रीडिंग कितनी है 110 वोल्ट। इसने कहा है कि आमीटर रीड्स 2 एम्पियर, यानी कि ये जो करंट है दिस इज 2 एम्पियर, ये एक्चुअली होता है I0, नो लोड करंट। वॉट मीटर रीडिंग 65 वॉट, यानी कि POC यदि मैं कहूँ ओपन सर्किट का वॉट मीटर रीडिंग दिस इज 65 वॉट, ठीक है। अप्रोक्सीमेट कोर लॉस रेसिस्टेंस, यानी कि ये RC की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, एंड मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस JX5 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, रेफर टू लो वोल्टेज साइड आर रेस्पेक्टिवली। और ये पूरा का पूरा जो सर्किट है वो लो वोल्टेज साइड ही है, तो इससे हमें कोई परेशानी नहीं होगी रेफर करने में, डायरेक्ट हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखो जो भी पावर लॉस होगा वो रेसिस्टर में होता है, इंडक्टर में नहीं होता है, ये बात क्लियर है। यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है RC के अक्रॉस जो वोल्टेज है अप्लाइड वो कितना है 110 वोल्ट, तो RC के अक्रॉस का वोल्टेज है 110 वोल्ट, तो RC में कितना पावर लॉस होगा, वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो यहां पर जो ओपन सर्किट पावर लॉस होगा ये हो जाएगा वोल्टेज स्क्वायर, अप्लाइड वोल्टेज है 110, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस RC, इसकी वैल्यू कितनी की बहन है, दिस इज 65 वॉट, तो RC की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो, RC इज इक्वल टू 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 65, सो RC इज इक्वल टू, कैलकुलेट करिए, वन एटी सिक्स पॉइंट वन फाइव फोर ओम। यहां पर जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें RC की वैल्यू मैच करता है, तो आपको X5 की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोई नीड नहीं है। जब आप एग्जाम हॉल में हो तब आपने एक को कैलकुलेट किया, आपका आंसर आ गया, फिर उसके बाद आप फिर आगे बढ़ जाओ, राइट right? यानी कि 186.15 ओम ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, आपको X5 कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, बट यहाँ पर जब आप घर में हो तब तो आपको कैलकुलेट करना चाहिए। X5 को हम कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब X5 को कैलकुलेट करने के भी दो मेथड हैं, बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें दो मेथड तीन मेथड होते ही हैं जनरली, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस किस एंगल से सोच पा रहे हो, ओके।
यहां पर आप इसको ऐसे देख लो कि जो पावर होगा, यहां पर जो पावर होगा P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं कि वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस फाई लिख सकता हूं। पावर P गिवन है 65 इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज 110 इंटू यहाँ जो करंट फ्लो करता है 2 एम्पियर इंटू कॉस फाइव। यहाँ से आप पावर फैक्टर को फाइंड आउट कर लो, इस सर्किट का जो पावर फैक्टर है कॉस फाइव दिस इज इक्वल टू 65110 इंटू टू। पीएफ कितना हो जाएगा, 65 डिवाइडेड बाई 220 0.29, दिस इज 0.2955 ये हो जाएगा। यहां से हम फाई को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फाई फाई हमारा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स दिस, तो कॉस इनवर्स दिस कर लेंगे, ये हो जाएगा 72.8 डिग्री, ये हो गया फाई। अब यहां से हम टेन फाई को भी फाइंड आउट कर लेंगे, तो टेन फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन ऑफ दिस इज इक्वल टू 3.2335, ये है टेन फाइव। अब इन केस ऑफ पैरेलल आरएल सर्किट, यहां पर पैरेलल आरएल सर्किट है, पैरेलल आरएल सर्किट के केस में टेन फाइव को हम लिखते कैसे हैं, इन पैरेलल आरएल सर्किट, पैरेलल आरएल सर्किट के केस में हम टेन फाइव को ऐसे लिखते हैं कि टेन फाइव इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय एक्स, ऐसे लिखते हैं। सीरीज आरएल सर्किट हो तब हम लिखते हैं एक्स डिवाइडेड बाय आर, पैरेलल आरएल सर्किट में हम ऑपोजिट लिखते हैं आर डिवाइडेड बाय एक्स। यहां पर आर क्या है, आरसी है, एक्स क्या है, एक्स फाइव है। आरसी हमें पता है, टेन फाइव हमें पता है, तो एक्स फाइव को फाइंड आउट कर लीजिए, एक्स फाइव इज इक्वल टू आरसी डिवाइडेड बाय टेन फाइव। आरसी की वैल्यू है 186.154 और टेन फाइव की वैल्यू हमें मिली है 3.2335। कैलकुलेट करिए, 186 ना 0.154 दिस डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू 57.57, दिस इज 57.57 ओम, दिस इज वॉट एक्स फाइव। तो ये ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एट नो लोड हैज अ कोर लॉस ऑफ 75 वॉट। यहां पर कोर लॉस हो रहा है ट्रांसफार्मर के कोर में नो लोड पर 75 वॉट, एंड करंट ऑफ 5 एम्पियर आरएमएस वैल्यू है, एंड हैज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 230 वोल्ट आरएमएस वैल्यू है। ये डिटरमिन द मैग्नेटाइजिंग करंट एंड कोर लॉस करंट रेस्पेक्टिवली, आईएम और आईसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आईएम और आईसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसमें देखो नो लोड है, नो लोड मीन्स ओपन सर्किट टेस्ट का जो सर्किट डायग्राम होगा इक्विवेलेंट, उसको हम यहां पर ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, 230 वोल्ट। इसमें करंट कितना फ्लो करता है, 5 एम्पियर। इसमें पावर लॉस कितना है, ओपन सर्किट पावर लॉस कितना है, यह है 75 वॉट, राइट। आपको यह फाइंड आउट करना है कि इसमें आईसी आईसी कितना होगा और इसमें आई फाई कितना होगा। दिस रेसिस्टेंस इज आर सी, दिस रिएक्टेंस इज जी एक्स फाई। आई सी और आई फाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले क्या करते हैं, आई सी को फाइंड आउट कर लेते हैं। आई सी को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यहां से हम इसको ऐसे कर सकते हैं, यहां से देखो इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो हमारा पावर लॉस है इसको हम कैसे लिखेंगे, वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, यानी कि 230 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, आर सी। आर सी को फाइंड आउट कर लो पहले, आर सी इज इक्वल टू हो जाएगा 230 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 75 ओम। कैलकुलेट करिए, 230 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 75, इट मीन्स ये हो जाएगा 705.33, 705.33 ओम, ये आर सी की वैल्यू है। आर सी की वैल्यू आपको पता है, ओके। इसमें इसके क्रॉस का वोल्टेज आपको पता है, तो आईसी कैसे फाइंड आउट कर लोगे, आईसी तो आसानी से फाइंड आउट करोगे। 230 वोल्ट लगा हुआ है, रेसिस्टेंस है कितना, 705.33, 0.326, ये कितना आ गया, 0.326 एम्पियर, ये है आईसी की वैल्यू। आईसी की वैल्यू मिल गई, तो अब आप क्या करोगे, आईफाई को फाइंड आउट कर लोगे।
आई फाई क्या हो जाएगा, आई फाई हो जाएगा रूट ओवर ऑफ नो लोड करंट का स्क्वायर इंटू आई सी स्क्वायर। नो लोड करंट कितना है यहां पर, ये जो 5 एम्पियर है दिस इज नो लोड करंट, सो 5 का स्क्वायर करोगे माइनस आई सी, आई सी कितना है 0.326, इसका करोगे स्क्वायर। सो डायरेक्ट इसको कैलकुलेट ही करते हैं, दिस स्क्वायर 25 माइनस दिस रूट ओवर दिस इज इक्वल टू 4.99, दिस इज इक्वल टू 4.99 एम्पियर। तो 4.99 को आप 5 एम्पियर के आसपास में लिख सकते हो, ठीक है। देखो ये जो करंट है दिस इज आई फाई या फिर आई एम लिख दो, मैग्नेटाइजिंग करंट है आई एम, राइट आई एम। मैग्नेटाइजिंग करंट और कोर लॉस करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट कितना आया है आई एम इज इक्वल टू नियर अबाउट 5 एम्पियर, और जो कोर लॉस ऑफ कॉम्पोनेंट करंट है वो है 0.326 एम्पियर। 5 और दिस यानी कि ऑप्शन बी, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ ट्रांसफॉर्मर टू बी टेस्टेड एट फुल लोड कंडीशन बट कंज्यूमिंग ओनली लॉसेस फ्रॉम द मेन्स, वी डू व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बैक टू बैक टेस्ट या फिर संपन्नर टेस्ट। संपन्नर टेस्ट के केस में ही जब हम उसको टेस्ट करते हैं फुल लोड कंडीशन पर, तब वो उतना ही पावर को लेता है जितना उसमें लॉसेस होंगे, राइट उतना ही पावर वो ड्रॉ करता है, राइट फुल लोड पे कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में कोई लोड कनेक्टेड नहीं होता है, राइट तो इसलिए जो सिर्फ ट्रांसफॉर्मर में लॉसेस होंगे, एक्चुअली यहाँ पर दो ट्रांसफॉर्मर होता है, बैक टू बैक टेस्ट करने में दो ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, दोनों हमारा सिमिलर ट्रांसफॉर्मर होता है, दोनों आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर होता है, दोनों जो ट्रांसफॉर्मर होता है आइडेंटिकल होगा, और दोनों ट्रांसफॉर्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और दोनों का जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, राइट इस तरीके का कनेक्शन होता है, और फिर इसको हम फुल लोड पर परफॉर्म करते हैं। ये हमारा एक फुल लोड टेस्ट होता है, जो संपन्नर टेस्ट या फिर बैक टू बैक टेस्ट है, ये एक फुल लोड टेस्ट है, राइट तो यहाँ से हमें टेम्परेचर राइज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि मैक्सिमम टेम्परेचर राइज कितना हो सकता है, ठीक है। चलो ऑप्शन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19। इन अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर द मैग्नीट्यूड ऑफ लीकेज रिएक्टेंस इज ट्वाइस दैट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू डबल है एज कंपेयर टू रेसिस्टेंस। यदि मैं कहूं कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू है R, तो X इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, X इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ R, ऐसा होगा ये। तब इसने क्या कहा है, विथ सेकेंडरी शॉर्टेड, सेकेंडरी साइड को जब आप शॉर्ट करते हो इट मींस आप ऐसा सर्किट डायग्राम बनाना चाहते हो, ये सेकेंडरी को मैंने कर दिया है शॉर्ट। रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट ये कितना है, R है, और दिस इज व्हाट, दिस इज R इक्विवेलेंट, और ये है जे एक्स इक्विवेलेंट। जे एक्स इक्विवेलेंट को आप क्या लिखोगे, जे एक्स इक्विवेलेंट को आप लिखोगे जे, और एक्स इक्विवेलेंट की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, 2R लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा जे 2R। क्या पूछा है, इनपुट पावर फैक्टर इज व्हाट, इनपुट पावर फैक्टर बताइए। तो इस सर्किट का जो पावर फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, पहले तो पावर फैक्टर एंगल को फाइंड आउट कर लो, एंगल कितना होगा, एंगल फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, यानी कि ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2, राइट ये है फाइव। उसके बाद फिर पावर फैक्टर फाइंड आउट करना, पहले तो फाइव को फाइंड आउट कर लेते हैं। टेन इनवर्स 2 इट मीन्स 63.435 डिग्री, ये है पावर फैक्टर कॉस फाइव, कॉस ऑफ दिस एंगल 0.447, दिस इज इक्वल टू 0.447, और 0.447 किसके इक्वल होता है, ये होता है 1/√5 के इक्वल, राइट 1/√5 के इक्वल। यहां देखो 1/√2 ये किसके इक्वल होता है 0.707, 1/√5 0.447, 2/√5 0.894, 1/3 0.333, ये
ऑप्शन कौन सा सही होगा, 1/√5 यानी कि बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसने क्या कहा है, नॉमिनल शॉर्ट सर्किट वोल्टेज VSCN ऑफ ट्रांसफॉर्मर मींस द व्हाट। नॉमिनल शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, अगर आपसे कोई कहे कि शॉर्ट सर्किट वोल्टेज इतना है, एक्स वोल्ट है, इससे आप क्या समझते हो। स्टेटमेंट में है, ऑप्शंस है हमारे पास, वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी टर्मिनल व्हेन सेकेंडरी टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किटेड, व्हेन सेकेंडरी टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किटेड, तो जो हमारा प्राइमरी साइड का वोल्टेज है वो है VSCN। ऑप्शन बी में क्या कहता है, वोल्टेज अपियरिंग अक्रॉस द सेकेंडरी टर्मिनल व्हेन दे आर शॉर्ट सर्किटेड, सेकेंडरी टर्मिनल के अक्रॉस का वोल्टेज है जब सेकेंडरी टर्मिनल शॉर्टेड है, तो जब सेकेंडरी टर्मिनल को आप शॉर्ट ही कर दोगे तो वहां का वोल्टेज क्या होगा, जीरो। स्टेटमेंट सी कहता है कि प्राइमरी वोल्टेज व्हेन द सेकेंडरी टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किटेड एंड द रेटेड करंट फ्लो थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग। ये स्टेटमेंट भी आपको ऐड करना जरूरी था, है ना। देखो जो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज है, नॉमिनल यहां लिखा हुआ है, नॉमिनल शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, इट मींस व्हाट, आप इसको जब शॉर्ट सर्किट करोगे तो इनपुट साइड में यानी कि जो हमारा प्राइमरी साइड है, प्राइमरी साइड का वो वोल्टेज जिस वोल्टेज को अप्लाई करने के बाद उस पूरे के पूरे शॉर्ट सर्किट पाथ में रेटेड करंट अगर फ्लो कर रहा है तभी वो जो वोल्टेज कहलाएगा, जो प्राइमरी साइड का वोल्टेज है वो कहलाएगा नॉमिनल शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी यहां पर होगा करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, और ऑप्शन ए भी बिल्कुल ऐसा ही है, ऑप्शन ए भी ऐसा ही है, सिर्फ इसने ये मिस्टेक किया है कि ये रेटेड करंट के बारे में नहीं लिखा है कि रेटेड करंट भी होना चाहिए, ये नहीं लिखा है, और सी में ये भी लिखा हुआ है रेटेड करंट, सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 100 KVA 1100/220 V 50 Hz सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर विथ 2000 टर्न्स ऑन द हाई वोल्टेज साइड, ओपन सर्किट टेस्ट रिजल्ट गिव्स 220 V 91 A 5 kV ऑन लो वोल्टेज साइड, कोर लॉस कॉम्पोनेंट ऑफ करंट इज वॉट। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट आपको फाइंड आउट करना है, ओपन सर्किट टेस्ट का रिजल्ट कितना है, 220 वोल्ट वोल्टेज है, करंट इसमें फ्लो करता है 91 एम्पियर, और यहां पर जो रेसिस्टेंस है इसको मैं लिख देता हूं RC, और इसमें जो करंट फ्लो करेगा ये होगा IC, IC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, यही कहा है ना, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट, इट मींस IC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ठीक है, इसमें जो पावर लॉस है, ओपन सर्किट पावर लॉस दिस इज गिवन 5 kW यानी कि 5000 W, ओके 5000 W ये है एम्पियर, 91 A। इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे कि दिस इज इक्वल टू 220 V का स्क्वायर डिवाइडेड बाय RC, यहां से हम RC को फाइंड आउट कर लेंगे, RC इज इक्वल टू 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5000, नाइन पॉइंट सिक्स एट, दिस इज इक्वल टू 9.68 Ω। RC की वैल्यू आपको पता चल चुकी है, RC की वैल्यू आपको पता है, इसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई किया गया है 220 V, तो RC में करंट कितना फ्लो करेगा, ये जो कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट IC है ये क्या हो जाएगा, 220 V डिवाइडेड बाय RC विच इज 9.68। कैलकुलेट करिए, 22.727, दिस इज 22.727 एम्पियर। ये ऑप्शन को चूज कर लीजिए, ऑप्शन बी में ऐसा गिवन है, सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। कंसीडर द फॉलोइंग टेस्ट, लोड टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, रिटार्डेशन टेस्ट, विच ऑफ द एबव टेस्ट आर टू बी कंडक्टेड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर।
ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन को डिटरमिन करने के लिए आपको किस किस टेस्ट की नीड होगी? तो आपको शॉर्ट सर्किट टेस्ट की नीड होगी और ओपन सर्किट टेस्ट की नीड होगी, क्योंकि जब आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हो और ओपन सर्किट टेस्ट करते हो तो यहां से ट्रांसफार्मर के जितने भी पैरामीटर्स हैं, चाहे वो शंट के पैरामीटर्स हों या फिर सीरीज पैरामीटर्स हों, सारा का सारा आपको मिल जाता है ना। और वोल्टेज रेगुलेशन में आपको इसी की नीड होगी, ठीक है। यहां पर देखो आप एक और चीज, आप यहां पर यह मत सोचना कि जब आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हो, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो यहां से आपको क्या क्या मिलता है? यहां से आपको R इक्विवेलेंट मिल जाएगा और यहां से आपको X इक्विवेलेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो जब आपको R इक्विवेलेंट मिल ही गया तो यहां से आप R पर यूनिट फाइंड आउट कर सकते हो, और जब आपको X इक्विवेलेंट मिल गया तो आप X पर यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हो। तो वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है? R पर यूनिट cos phi प्लस या फिर माइनस अकॉर्डिंग टू लैगिंग या लीडिंग लोड, प्लस या माइनस X पर यूनिट साइन फाई। तो जब आपको R पर यूनिट, X पर यूनिट की वैल्यू शॉर्ट सर्किट टेस्ट से मिल ही गया, आपको वोल्टेज रेगुलेशन मिल ही जाएगा, तो फिर ओपन सर्किट टेस्ट की क्या नीड है? तो फिर तो आप सिर्फ लिखोगे कि ओनली शॉर्ट सर्किट टेस्ट। बट ये जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं ना, आर पर यूनिट कॉस फाई प्लस माइनस एक्स पर यूनिट साइन फाई, ये होता है अप्रॉक्स वैल्यू। यहां से वोल्टेज रेगुलेशन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें मिलती है, राइट। ये जो वोल्टेज रेगुलेशन है ये हम वहां से डिराइव करते हैं जो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होता है, यानी कि ये वाला, ये जो डायग्राम होता है ना, ये यहां से ये जो डायग्राम है, दिस इज इनपुट साइड वोल्टेज वी वन और ये है आउटपुट साइड का वोल्टेज रेफर टू इनपुट साइड। तो यहां से ये है R इक्विवेलेंट और ये है JX इक्विवेलेंट। इसी डायग्राम से हम इस वोल्टेज रेगुलेशन को फाइंड आउट करते हैं, और ये जो डायग्राम है ये अप्रॉक्सीमेट डायग्राम है, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है। एग्जैक्ट डायग्राम कब होगा? जब इसमें आप शंट पार्ट को भी ऐड करोगे, यानी कि RC और X5 को भी आप दिखाओगे, तब वो होगा एग्जैक्ट डायग्राम। और वहां से जो हमारा एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है, वहां से जो वोल्टेज रेगुलेशन आएगा वो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा वोल्टेज रेगुलेशन की, ठीक है, एग्जैक्ट आएगा। और एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम के लिए आपको ओपन सर्किट टेस्ट की नीड तो पड़ेगी, बिना उसके तो नहीं होगा। तो इसलिए इन दोनों को आपको मार्क करना है, यानी कि 2 और 3 बोथ ऑप्शन सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ओपन सर्किट टेस्ट ऑन अ ट्रांसफार्मर इज यूजुअली परफॉर्म्ड, यूजुअली लिखा हुआ है, यूजुअली परफॉर्म्ड बाय एक्साइटिंग द लो वोल्टेज वाइंडिंग। देखो ओसी ओपन सर्किट टेस्ट है, इसको आप लो वोल्टेज से ऐड करो या फिर हाई वोल्टेज से ऐड करो, वैल्यू आपको सेम मिलने वाली है। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, लो वोल्टेज साइड ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। दिस इज बिकॉज व्हाट? ऑप्शन को रीड करिए। इट ड्रॉज सफिशिएंटली लार्ज नो लोड करंट व्हिच कैन बी कन्वेंशनली मेजर्ड। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो जब आप ओपन सर्किट टेस्ट करते हो, ओपन सर्किट टेस्ट, यहां पर आपने अप्लाई किया है लो वोल्टेज VLV, लो वोल्टेज आपने अप्लाई किया है, लो वोल्टेज साइड आप कर रहे हो, है ना। यहां जो करंट फ्लो करेगा ये है नो लोड करंट I0, ठीक है। अब आप जरा एज्यूम करो कि अगर आप ओपन सर्किट टेस्ट लो वोल्टेज साइड नहीं करते, हाई वोल्टेज साइड करते, तो जब आप हाई वोल्टेज साइड करते, सपोज यहां पर आप ये एज्यूम कर लो कि I0 की वैल्यू यहां पर है 5 एम्पियर, ठीक है, 5 एम्पियर है I0 की वैल्यू, और जो ट्रांसफार्मर है उसका टर्न्स रेशियो आप एज्यूम कर लो कि 10 है, A की वैल्यू है 10, ये आप एज्यूम कर लो, ठीक है। लो वोल्टेज साइड आपने ये टेस्ट किया है तो I0 की वैल्यू आई है 5 एम्पियर। अगर सेम ओपन सर्किट टेस्ट आप अगर जो करोगे हाई वोल्टेज साइड, तब वहां पर नो लोड करंट कितना आएगा, नो लोड करंट कितना होगा, ये होगा दिस करंट डिवाइडेड बाय टर्न्स रेशियो, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड है ना तो करंट तो कम फ्लो करेगा उधर, है ना। तब अगर आप HV साइड करते हो, HV साइड में, तो यहां पर जो I0 की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 0.5 एम्पियर, ओके। अब देखो अगर आप LV साइड टेस्ट करते हो, ओपन सर्किट टेस्ट, तो जो करंट यहां पर है वो है 5 एम्पियर। 5 एम्पियर को मेजर करने के लिए या फिर 10 एम्पियर, 15 एम्पियर को मेजर करने के लिए जो हमारे पास आमीटर होंगे वो मार्केट में इजीली अवेलेबल होंगे,
पहली बात तो ये कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होंगे ये आमीटर, और इसका जो कॉस्ट होगा, आमीटर का जो कॉस्ट होगा वो भी नॉमिनल कॉस्ट होगा, कुछ ज़्यादा हाई नहीं होगा। लेकिन जब आप लो वैल्यू मेजर करने के लिए आमीटर लेने जाते हो तो पहली बात कि वो इजीली अवेलेबल नहीं होंगे। 0.5 एम्पियर अगर आपको मेजर करना है उसके लिए वॉट मीटर जल्दी आपको नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो वो हाईली हाईली पेड होगा, वो कॉस्टली होगा वो, ठीक है। तो इजीली अगर आप उसको कन्वेंशनली मेजर करना चाहते हो तो इजीली अवेलेबल जो इंस्ट्रूमेंट मार्केट में होगा वो वही होगा जो आपको नीड पड़ेगी लो वोल्टेज साइड में, इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट वन भी यही कहा है कि इट ड्रॉज सफिशेंटली लार्ज नो लोड करंट। लार्ज करंट ड्रॉ करें ना, 5 एम्पियर है, एचपी साइड करोगे तो 0.5 एम्पियर का करंट होगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 1000 वोल्ट बाय 400 वोल्ट पावर ट्रांसफार्मर हैज अ नॉमिनल शॉर्ट सर्किट वोल्टेज VSC इज इक्वल टू 40%। शॉर्ट सर्किट वोल्टेज है, नॉमिनल शॉर्ट सर्किट वोल्टेज कितना है 40%। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इन इनमें से कौन सा करेक्ट है। अ वोल्टेज ऑफ 400 वोल्ट अपियर्स अक्रॉस शॉर्ट सर्किट टर्मिनल। शॉर्ट सर्किट टर्मिनल जहां पर करोगे वहां तो वोल्टेज जीरो होगा, स्टेटमेंट इन करेक्ट। अ वोल्टेज ऑफ 16 वोल्ट अपियर्स अक्रॉस द शॉर्ट सर्किट टर्मिनल, इन करेक्ट। शॉर्ट सर्किट टर्मिनल पे वोल्टेज जीरो होगा, शॉर्ट कर रहे हो उसको। वेन द सेकेंडरी टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किटेड रेटेड करंट फ्लोज एट द प्राइमरी साइड एट अ प्राइमरी वोल्टेज ऑफ 400 वोल्ट। ये जरा चेक कर लेते हैं कि प्राइमरी साइड का वोल्टेज कितना होगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट वोल्टेज इसने कहा है 40%। तो जब 40% है और हाई वोल्टेज साइड जो हमारा प्राइमरी साइड है उसका रेटेड वोल्टेज कितना है 1000 वोल्ट, तो नॉमिनल वोल्टेज कितना हो जाएगा 1000 × 40%। इट मीन्स वॉट, दिस इज 400 वोल्ट। तो स्टेटमेंट सी तो सही कहा है कि जो प्राइमरी साइड का वोल्टेज होगा वो होगा 400 वोल्ट जब आप सेकेंडरी साइड को शॉर्ट करते हो तब। और इसने एक और बात इसने ऐड किया है कि एट रेटेड करंट फ्लो, द रेटेड करंट फ्लोज एट द प्राइमरी साइड, ठीक है। तो जब आप नॉमिनल शॉर्ट सर्किट की बात करते हो तो करंट को ऐड करना मत भूलना, जो करंट वाला स्टेटमेंट है उसको ऐड करना मत बोलना, रेटेड करंट को आपको ऐड करना होगा, यानी कि सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, डी ऑप्शन को भी रीड कर लो। डी ऑप्शन में क्या कहा है कि प्राइमरी वोल्टेज ड्रॉप्स टू 400 वोल्ट। ड्रॉप्स टू 400 वोल्ट मीन्स वॉट, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि देखो आपका ये ट्रांसफॉर्मर है ना, यहां पर आपने लगा रखा है 1000 वोल्ट जो इसका रेटेड वोल्टेज है आपने लगाया है। अब आप जैसे ही इसको आप शॉर्ट करोगे तो प्राइमरी साइड का वोल्टेज ड्रॉप हो गया है 400 वोल्ट, ऐसा ये बोल रहा है। ऐसा क्यों होगा भाई, प्राइमरी साइड के जो वोल्टेज है 1000 से 400 वोल्ट वो ड्रॉप क्यों होगा आपके शॉर्ट सर्किट करने से। अगर आप सेकेंडरी टर्मिनल को शॉर्ट करते हो, इसको जब आप शॉर्ट करते हो तो ये जो प्राइमरी साइड का वोल्टेज है क्या उसको डर लगता है कि आपसे वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा, नहीं होगा ये ड्रॉप नहीं होगा। और ये जब ड्रॉप नहीं होगा तो ह्यूज करंट इसमें फ्लो करेगा, क्योंकि सेकेंडरी तो शॉर्टेड है। ह्यूज करंट जब इसमें फ्लो करेगा तो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मर को ये बर्न कर देगा, जल जाएगा ट्रांसफॉर्मर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप शॉर्ट सर्किट कर रहे हो तो जो प्राइमरी साइड है उसका वोल्टेज आप कम रखो, सो दैट उसमें कम करंट फ्लो करे, डेंजरस करंट फ्लो ना करे जो कि ट्रांसफॉर्मर को ही जला दे, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल आपको रखना है। ये ऑटोमेटिकली ड्रॉप नहीं हो जाएगा कि आपने शॉर्ट किया ये ड्रॉप हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, उसको डर नहीं लगता आपसे, ठीक है। चलो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा एक और क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए 25। ऑन लोडिंग हीट रन टेस्ट ऑन ट्रांसफॉर्मर्स इज परफॉर्म। हीट रन टेस्ट क्या है, वही है संपन्न टेस्ट, बैक टू बैक टेस्ट, वहीं से तो टेम्परेचर राइज की बात हमें पता चलती है, ठीक है। तो संपन्न टेस्ट यानी कि ऑप्शन डी, ओके।
सो इट्स ऑल अबाउट दिस दिस लेक्चर. आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.